गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, राजस्थान पुलिस के एग्जाम को लेकर आए दिन छोटी मोटी न्यूज़ दोस्तों आती रहती है, और ऐसे ढेरों कमेंट भी मेरे पास है जिनके कई डाउट थे। एक डाउट तो दोस्तों ये था कि एग्जाम हो जाएगा क्या नवंबर में। दूसरा ये डाउट था कि हम अदर स्टेट से हैं, क्या राजस्थान की जो पुलिस भर्ती है उसमें हम बैठ पाएंगे, क्योंकि रेट को लेकर एक संशय बना हुआ कि बाहरी राज्य का जो कोटा है वो कम किया जाएगा या उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह की कुछ बातें चल रही थी, तो क्या पुलिस के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे अगर हम अदर स्टेट से हैं, इस तरह से कुछ बातें चल रही थी। लेकिन आज ये बात बिल्कुल साफ दोस्तों हो चुकी है। एक नोटिस जो कि 16 तारीख को दोस्तों यहाँ पर आया है गृह विभाग की तरफ से। दोस्तों, इस नोटिस के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भी करीबन करीबन 17.6 लाख विद्यार्थी ने फॉर्म भरा था, और आपके 6 शिफ्टों में दोस्तों पेपर होने 6-7-8 को। ये बात तो साफ होगी दोस्तों, आपके एग्जाम नवंबर में 6-7-8 को हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक शिफ्ट के अंदर दोस्तों, प्रत्येक पारी के अंदर करीबन करीबन 2.94 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, यानी एक पारी के अंदर 2.94 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। अब ये तो एक एवरेज हो गया, अब कितने विद्यार्थी शामिल होते हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पर रेशियो आपका निकल जाएगा। यहाँ पर जो आपके एग्जाम है दोस्तों, जिला मुख्यालय भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, और बड़े तहसील स्तर के ऊपर अगर अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो वहां पर भी आपके एग्जाम दोस्तों यहाँ कंडक्ट करवाए जाएंगे। और बाहरी राज्य से आने वाले जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, जिनके मन में ये डर बना हुआ था कि हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक नया सर्कुलर चल रहा है कि भाई बाहरी राज्य को, राजस्थान वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और बाहरी राज्य वालों को नहीं दी जाएगी, इस तरह की कुछ बातें चल रही थी। लेकिन राजस्थान पुलिस भर्ती एग्जाम के अंदर आप दोस्तों बैठ सकते हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है तो बाहरी राज्य के विद्यार्थी भी इस पेपर को दे पाएंगे। साथ साथ दोस्तों, आपको कोविड के चलते जितने भी दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन करना है, और जब भी आप पेपर देने जाओ तो अपने पेरेंट्स या अपने रिलेटिव को भी साथ आप ले जा सकते हैं। तो बस ध्यान यही रखना है, कोविड का ध्यान रखना है, जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देश आपको दिए होंगे उनकी आपको पालना करनी होगी। एग्जाम आपको दोस्तों 6-7-8 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। फाइनली दोस्तों ये तय है कि आपका एग्जाम दोस्तों नवंबर में हो जाएगा, तो लगातार आप तैयारी से जुड़े रहें। बिल्कुल भी तैयारी को के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस अगर होता है तो उसे न होने दें, मन लगा के लगन से आप मेहनत करें, आपका सिलेक्शन दोस्तों जरूर होगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, साथ साथ मॉक टेस्ट मैं आपके ले रहा हूँ, तो लगातार ये मॉक टेस्ट देते रहें, 10-10-15 मिनट के हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। चलिए, कोई भी डाउट अगर राजस्थान पुलिस की भर्ती को लेकर आपके संशय है, आपके मन में चल रहा है, तो मुझे कॉमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन कर लेना जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।